जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम अनुपात समानुपात में सिक्के वाले सवाल पढ़ेंगे। सिक्के वाले सवाल क्या है, किस तरह से करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको सवाल बताऊंगा। तो पहला सवाल, पहले मैं आपको सवाल बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको सवाल को समझाऊंगा। देखिएगा सवाल क्या है। सवाल है, एक ठेले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 378 हो तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि सवाल में दिया है कि एक रुपए हम इधर लिख देते हैं, 1 रुपए 50 पैसे और ये 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के मूल्यों का अनुपात, या आपको मूल्य भी दे रखा है सवाल में, मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है और इनकी संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है संख्या, 378। तो मैंने आपको सिखाया है कि योग बराबर योग के, अंतर बराबर अंतर के, गुणा बराबर गुणा के और भाग बराबर भाग के। तो संख्या बराबर किसके होगा, संख्या इसी के बराबर रखना, जो कि 400, 500, 600, 378, 300, जो भी संख्या दी हो आपको, टोटल मिलाकर उसी के बराबर आपको संख्या रखनी है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सवाल में ऐसा बोला है कि हमें बताना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बदलानी है, तो हमें इन मूल्यों को कायम बदलना पड़ेगा संख्या में, मूल्यों को संख्या में। किस तरह से बदलते हैं सर, तो देखिएगा कि मूल्यों को संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे हम। ये जो मूल्य है इसमें 1 रुपए का, यदि हम यूं समझें कि हमारे पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं जो मिलाकर बने हैं 13 रुपए, तो कितने सिक्के दिए होंगे हमने, तो हमने बोला कि संख्या यदि हमें बनानी है तो संख्या हम बना देते हैं, इसको हम संख्या को यहां लिख लेते हैं, संख्या बराबर 378। अब संख्या हमें बनानी है, इन मूल्यों को संख्या में कन्वर्ट करना है, तो हमने बोला कि मूल्य है 13 रुपए, 1-1 के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के देने पड़ेंगे, 13 सिक्के देने पड़ेंगे हमें। फिर हमने बोला कि 11 रुपए हैं, रुपए कितने हमारे पास, 11 रुपए हैं। अब 1 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो हमने बोला 50 पैसे के हिसाब से हम यूं बोल सकते हैं कि 50 पैसे में 1 रुपए की कितनी टॉफी आती है, 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, तो 11 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, 11 रुपए में 22 टॉफी आएगी। आपको समझ में आया, बस संख्या बनानी है, 1 रुपए में 2 टॉफी आती है 50 पैसे के हिसाब से, तो 11 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, 22 टॉफी। फिर ऐसे ही हम यहां पर करेंगे कि 25 पैसे में 1 रुपए की कितनी टॉफी आती है, 4, 25 पैसे के हिसाब से 1 रुपए की 4 टॉफी आती है, तो 7 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, 7 × 4 = 28 टॉफियां। अब ये क्या है, ये संख्या है, तो संख्या बराबर हम किसके रख सकते हैं, संख्याओं के रख सकते हैं। किन संख्या का टोटल हम करें कि 28 और 22 जोड़े 50, 50 और 13 करें तो 63। संख्या बराबर संख्या के कितनी है, सवाल में संख्या कितनी दी है, 378। संख्या बराबर संख्या के आप ये भी कर सकते हैं, मूल्य को यदि संख्या में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, गुणा कर सकते हैं कि 1 रुपए में 1 टॉफी आती, इसलिए 1 का गुणा कर दिया, यहां पर 1 का गुणा कर दिया गाय में, यहां पर 1 रुपए में 2 टॉफी आती इसलिए 2 का गुणा कर दिया, 1 रुपए में 4 टॉफी आती है इसलिए 1 का गुणा, यहां पे 7 में गुणा हमने 4 का कर दिया, पर इतना आप कर सकते हैं डायरेक्ट। अब 378 बराबरी पर हमने 63 रख दिया, जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कि 3 × 18 = 3 × 18 = 18, 1 बचा, 6 × 36 और 1 हासिल का था तो कितना हुआ, 37, मतलब कितनी बार घटा, 6 बार घटा। 1 अनुपात का मान कितना आया है, 6, 1 अनुपात का मान 6 आया है, तो बोला क्या है, संख्या पूछी है 50 पैसे के सिक्कों की, निकालना क्या है, 22 निकालना है, 1 का मान 6 तो 22 का गुणा 6 में कर लेते हैं, 22 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132, तो इसका आंसर कितना आएगा, 132। तो आपको आया होगा इस तरह का सवाल समझ में, सेम ऐसा ही एक और सवाल करते हैं हम, देखिएगा। तो अगला सवाल, सवाल देखिएगा, सवाल है, एक ठेले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 3:4:5 है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 155 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सेम सवाल उसी तरह का, देखिएगा कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य कितने दिए हैं आपको, मूल्य दिए हैं 3 और 4 और 5, 3:4:5
पांच। अब तीन अनुपात चार अनुपात पांच दिए तो वही मैंने आपको बताया था, एक में एक का गुणा कर दो, दो में दो, 50 पैसे में दो का गुणा कर दो, 25 पैसे में चार का, इसमें एक का गुणा करें, इसमें दो का, इसमें चार का, तो तीन चार दुना आठ और चार पंचे 20। और इसकी टोटल संख्या कितनी दी, ये संख्या है तो टोटल संख्या दी भी कितनी है, टोटल संख्या आपको दी है 155, 20 और 8 28, 28 और 3 31, तो ये हो गया संख्या बराबर संख्या के। एक अनुपात का मान निकालना है तो काट देते हैं अभी से 155 को, एक अनुपात का मान निकालना है तो काट दीजिए आप, कि एक का गुणा यदि हम एक के पहाड़े में पांच कितनी बार में आता है, पांच बार में, तीन के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, पांच बार में, तो 31 पंचे कितना होगा 155। तो एक अनुपात का मान पांच आया है, पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जो 20 से निकलेगा, तो हमने क्या किया 20 का गुणा पांच में कर दिया, 20 से पंचे 100, तो ये आपका आंसर है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी 100। तो अब हमने अभी यहां पर मूल्यों का अनुपात दिया है, यदि सेम सवाल उल्टा हो जाए इससे कि मूल्य दिए हैं, मूल्य की जगह संख्या दे दे और संख्या की जगह क्या दे दे, मूल्य दे दे, तो देखिएगा अगले टाइप का सवाल। चलिए तो सवाल देखिएगा, सवाल है कि एक ठेले में एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:8:20 है, संख्या दी है 1:8:20, पहले आपको मूल्य दिया था, अब आपको संख्या दी है, ठीक है, तथा कुल मूल्यों का अनुपात, तथा इनको मिलाकर जो पैसे बने हैं, तथा कुल मूल्यों का अनुपात 200 है, तो बताइए कि 50 पैसे और 1 रुपए के मूल्यों जो संख्या है उनका अंतर क्या होगा, 50 पैसे और 1 रुपए का अंतर, संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा आपको सवाल में दिया क्या है, पहले आपको मूल्य दिया हुआ था, अब क्या दे हुए होंगे आपको संख्या, कि संख्या बराबर कितनी दी है संख्या, एक सवाल में ऐसा बोला है कि 1:8:20, 1:8:20। अब यहां आपको बदलना काय में है, मूल्य में है, मूल्य में बदलना है, क्यों मूल्य बदलना है, क्योंकि आपको मूल्य दिया है कितना 200, तो हम इसको क्या करें, इसको मूल्य बदले। अब ऐसे सवालों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे है, तो ऐसे सवालों में हमें करने के लिए क्या करना है, वहां हम गुणा कर रहे थे, ध्यान रखिएगा मूल्य में दे तो गुणा करना है और संख्या में दे तो उन्हीं का भाग लगाना है, गुणा में दे क्या बोला मैंने, यदि यहां पर आपको मूल्यों में दे तो आपको गुणा करना है, यदि आपको संख्या में दे तो भाग लगाना है, तो यहां भाग लगा देंगे हम, एक का भाग एक में लगा देंगे, 50 पैसे है तो 50 पैसे को हम लिखते किस तरह से है, 50 ये पॉइंट 50 था, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया और काटेंगे 1/2, तो इसमें गुणा काय से कर दिया 1/2 का, 25 पैसे है तो 25/100, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/4, तो इस तरह से हम यहां पर गुणा करेंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आपको सवाल में जैसा दिया वैसे ही हम कर देते हैं, गुणा करने का बोला है तो गुणा कर देते हैं हम, जैसे उसने बोला है कि मूल्य देना है, मूल्य उसने दिया है तो इस संख्या को मूल्य में बदल दिया, संख्या को मूल्य में बदलने के लिए क्या किया हमने, बटे में गुणा कर दिया, बटे में उसका भाग लगा दिया, इसको यदि आप 8/2 से भाग देते या इसे 20/4 कर देते आप, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या फिर गुणा में 1/2 भी आप लगा सकते हैं, याद रखना है बस। अब देखिएगा तो मैंने लिखा है कितना, 1:4 हो गया, अनुपात ये हो गया कितना 5। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए कि संख्या दी है आपको, मतलब एक सिक्का है 1 रुपए का और 8 सिक्के हैं 50 पैसे के और 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो हम इसे यू बोल सकते हैं कि मेरे पास एक टॉफी है, मेरे पास संख्या कितनी है, एक टॉफी है 1 रुपए वाली, तो कितने रुपए बने होंगे 1 रुपए। मेरे पास 8 टॉफी है 50-50 पैसे वाली, 50-50 पैसे वाली कितनी टॉफी है, 8 टॉफी है, तो कितने रुपए की बनी होगी 4 रुपए की। ऐसे ही हम 20 टॉफी लेके आए, सारी टॉफी 25-25 पैसे की थी, तो 5 रुपए में कितनी टॉफी जाती है 20, या 20 टॉफी कितने रुपए में जाती है 5, ऐसे हमने भाग लगाया। इनको हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 1 10, 10 बराबर कितना आया 200, काट दिया 1 जीरो से 1 जीरो, 1 अनुपात का मान कितना आया 20, 1 का मान 20 आया। उसने क्या बोला है कि 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर बताइए, तो देखिए अंतर हम कर देते हैं दोनों का,
कि 8 - 1 अनुपात में अंतर कितने का? 7 का। तो 1 का मान 20, 1 अनुपात का मान 20, तो 7 का मान 7 × 14। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ 1 का गुणा करते तो आता 20, यहाँ गुणा करते तो 8 × 16 आता, और दोनों को घटाते तो 140, यहाँ से भी वही आंसर आता जो डायरेक्ट घटा गया। तो सेम इसी तरह का एक और सवाल करते हैं, देखिएगा। चलिए तो सवाल देखिएगा। सवाल है, एक ठेले में 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4:5 है तथा कुल मूल्य 400 रुपए है। तो जैसा जैसा सवाल बोला है, संख्या भी है, संख्या लिख देते हैं हम। संख्या कितना दिया है? 1:2:4:5। अब ये संख्या दी हुई है तो इनको हमें मूल्य में चेंज कर देते हैं पहले हम ये मूल्य में। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया कि 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे भी यहाँ पर आ गए, बढ़ के कितना है 20 पैसे भी और दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है इसका भाग कैसे लगाएंगे, 1 से 50 पैसे का भाग कितना लगाएंगे 2 में, 25 पैसे का भाग कितना लगाएंगे, 1 रुपए की 4 टॉफी आती है इसलिए 4 से भाग लगा दिया, 20 पैसे का हम और देख लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 20 से कम 20, 20 से 15, 1/5 इससे हम गुणा कर देंगे, 5 इससे हम भाग लगा देंगे 5 से, तो 2 से 2 काट दिया, 4 से 4, 5 से 5, तो सबका अनुपात कितना बन गया मूल्य 1:1:1:1। तो इनका मूल्य कितना बना है 1, 1, 1 और 1। तो फिर मूल्य बराबर मूल्य के 4 रुपए हो गए अनुपात में, और सवाल में दिया कितना है, सवाल बोला है 400, तो हमने गाय का भाग लगा दिया 400 का, 1 अनुपात का मान कितना है 100। अब जैसा कि आपसे सवाल में पूछा है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर पूछा है, तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2:4, ये 2 और ये 4, तो 1 का मान 100 तो 2 का मान 200, 1 का मान 100 तो 4 का मान 400, दोनों का अंतर किया तो कितना है 200। अधिकतर का डाउट ये आएगा कि सर ये तो माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में नहीं आता है, इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि यदि राम और श्याम, राम यदि 22 साल का और श्याम यदि 20 साल का है तो दोनों की आयु का अंतर कितने का होगा 2 का, पर यदि मैंने बोला कि श्याम 20 साल का है राम 22 साल का है दोनों की आयु का अंतर कितने का होगा, फिर भी 2 का ही होगा, माइनस में 2 का नहीं होगा। तो उसने बोला है 50 पैसे और 25 पैसे का अंतर पूछा है, ऐसा नहीं बोला है कि बड़ी में से छोटी घटाओ, छोटी में से बड़ी घटाओ, डायरेक्ट अंतर पूछा है, तो हमने अंतर कर दिया, कितना है इन दोनों का घटा के अंतर 200। तो आप 4 में से 2 घटाते तो प्लस का 2 भी बन जाता, 2 बराबर कितना आया 2 बराबर 200, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो इस तरह के हमने सवाल किए। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।